सिंह ने आज संसद में जानकारी दी कि हाल ही में कोकराझार में हुए उग्रवादी हमले में मारे गए उग्रवादी की शिनाख्त की जा रही है और उसके किस गुट के साथ संबंध है इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की। असम के कोकराझार में शुक्रवार को हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जब लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया तो साफ शब्दों में कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति या संगठन होगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार से सलाह कर इसकी जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA को सौंपी जा सकती है। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में इस बात से इनकार किया कि कोकराझार में हुई ये घटना खुफिया तंत्र की विफलता के कारण हुई। उन्होंने कहा कि असम सहित देश भर में केंद्रीय खुफिया एजेंसियां राज्य के साथ तालमेल करके काम करती हैं। इस उग्रवादी हमले की जांच करने के लिए कोकराझार पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मैं अपने प्राण गंवाने वाले निर्दोष लोगों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने असम सरकार तथा राज्य में सुरक्षा बलों से इस हमले में शामिल उग्रवादियों को पकड़ने और मानवता के विरुद्ध इस अपराध के लिए उन्हें उचित दंड दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। वहीं कोकराझार में अब शांति बहाल हो गई है। पुलिस ने बताया कि इलाके में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दोषियों को पकड़ने की कोशिश चल रही है और NDFB का एक उग्रवादी पकड़ा भी गया है। आपको ऑपरेशन चले हैं इंडो भूटान बॉर्डर में भी, चिरांग में भी। चिरांग में एक और कैडर पकड़ा गया है, उसके पास एक ग्रेनेड पकड़ा गया, फिर उसकी इंटरोगेशन चल रही है। उसके इंटरोगेशन से और जो लीड्स मिलेंगे उस पर आगे कार्रवाई होगी। तो एक तरफ इस केस का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चलेगा और साथ ही साथ जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है उनको और तीव्र किया जाएगा। 7 कंपनी हमने कोकराझार में और 2 कंपनी चिरांग में लगाई है अपने से, और जरूरत पड़ेगी तो हम फ्रेश रीडिप्लॉयमेंट कहीं से करेंगे। दूसरी ओर कोकराझार में माहौल अब बेहतर हो रहा है। लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी और जनजीवन सामान्य हो रहा है। अभी तो ठीक है, सब गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, सब तो ठीक ही है। ऐसे ही नॉर्मल टाउन का हालत तो नॉर्मल ही है। सोमवार को इलाके में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में हर धर्म और समुदाय के लोग पहुंचे। उधर ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन की टीम ने घटना स्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को कोकराझार में एक भीड़ भरे बाजार में NDFB सौंगविजित के आतंकवादियों ने फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया था। उसके बाद से ही इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।